डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है वाटर। वाटर के चैप्टर में अपने सिलेबस में है व्हाट इज सॉफ्ट वाटर, व्हाट इज हार्ड वाटर। हिंदी में सॉफ्ट वाटर को हम मृदु जल कहते हैं और हार्ड वाटर को कठोर जल कहते हैं। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर वो वाटर है जो जब हम साबुन उसके अंदर डाल देते हैं तो उसके अंदर झाग बन जाता है। जो पानी आसानी से साबुन के साथ झाग बना लेता है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। वाटर विच कैन फॉर्म लेदर, वो पानी जो झाग बना लेता है इजिली आसानी से विद सोप सॉल्यूशन, साबुन के सॉल्यूशन के साथ, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। जैसे डिस्टिल वाटर होता है, रेन वाटर होता है, तो ये डिमिनरलाइज वाटर होता है। ये जो है जब इनके अंदर हम साबुन को डालते हैं तो ये आसानी से झाग बन जाता है इसके अंदर। हार्ड वाटर, वाटर विच कैन नॉट फॉर्म लेदर, वो पानी जो झाग नहीं बनाता विद सोप सॉल्यूशन, साबुन के साथ, उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। कौन सा तरह का पानी हो सकता है? समुद्र का पानी, सी वाटर, वेल वाटर, कुएं का पानी हो सकता है, टैप वाटर जो नल का पानी हम लेते हैं वो हो सकता है। उसके बाद है सिलेबस में टाइप्स ऑफ हार्डनेस, कि ये जो वाटर है जो पानी के साथ झाग नहीं बनाता, सॉरी जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता, वो कितने तरह की वो हार्डनेस होती है, कितने तरह का हो सकता है वो हार्डनेस? दो तरह की हो सकती है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस वो हार्डनेस है जिसको हम पानी को उबाल करके दूर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हार्ड वाटर था, हमने कुएं का पानी ले लिया, हमने साबुन उसके अंदर डाल के देखा, अब उसके अंदर जो है झाग नहीं बना, तो हमने क्या किया, उसी कुएं से पानी लेके उसको उबाल दिया। उबाल देने के बाद हमने साबुन उसके अंदर डाल के देखा और वो झाग बन जाता है। तो इस तरह की हार्डनेस को हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस इज द टाइप ऑफ हार्डनेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय जस्ट बॉइलिंग ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस वो हार्डनेस है जिसको पानी को सिर्फ उबाल करके ही दूर किया जा सकता है। अगर हमने उस पानी को उबाला और फिर साबुन घोल करके देखा फिर भी उसके अंदर झाग नहीं बनता है, तो इस तरह की जो हार्डनेस है उसको हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस इज द टाइप ऑफ हार्डनेस विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई बॉइलिंग ऑफ वाटर, जो पानी को सिर्फ उबाल करके दूर नहीं की जा सकती है, उस तरह की हार्डनेस को हम कहेंगे परमानेंट हार्डनेस। अब ये टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण है और परमानेंट हार्डनेस किसके कारण है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया TS, T फॉर टेम्परेरी, S फॉर हार्डनेस। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट्स, अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट वाटर के अंदर होते हैं तो उसको जो पानी है वो झाग नहीं बनाता है, लेकिन अगर हम उसको उबाल देते हैं, उबालने के बाद ये बाइकार्बोनेट्स ब्रेक हो जाते हैं और साबुन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं जिससे कि झाग बनना शुरू हो जाता है। तो टेम्परेरी हार्डनेस वो हार्डनेस जो किसके कारण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण। ये फॉर्मूला दिए गए हैं, ये आपने याद करने हैं आगे इस लेसन को जब हम स्टडी करेंगे, तो ये 6 फॉर्मूला है टोटल। ये बहुत काम की चीज़ है, जब हम एक रिमूव करने के मेथड पढ़ेंगे, डिफरेंट मेथड्स, तो उसमें जब हमें पता ही नहीं होगा इम्प्योरिटी क्या है तो हम उसको रिमूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें इम्प्योरिटी पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला हमें याद होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आप ये फॉर्मूला जो दिए गए हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये आपको जरूर याद करने हैं। उसके बाद है परमानेंट हार्डनेस, पी फॉर परमानेंट, एच फॉर हार्डनेस। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, 4 फॉर्मूला ये हैं और 2 ये हैं, टोटल 6 फॉर्मूला हैं। ये आपको इस लेसन में याद करने पड़ेंगे तब आप इसमें आगे बढ़ पाओगे। तो आज मैं छोटा सा ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इनको अच्छे से याद कर पाओ। ये जो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस है, कॉजेज ऑफ हार्डनेस, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको ये फॉर्मूले इसके लिए भी याद करने पड़ेंगे। 2 नंबर में सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर आता है, और 1-2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो आपने
लिखना है रेन, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो आज इतना ही आपको याद करना है, आगे हम बाद में करेंगे।